जा रहा है उनके जरिए, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए वो कि उनका व्यक्तिगत विचार है, हम वसुधैव कुटुंबकम और सर्वधर्म संभाव को मानने वाले लोग हैं। भाजपा अगर किसी के व्यक्तिगत विचार को राजनीतिक मुद्दा बनाएगी तो फिर जीतन राम मांझी के बयान पे क्या कहेगी जो एनडीए के सहयोगी हैं, नरेश अग्रवाल के बयान पे क्या कहेगी जो एनडीए में हैं, भाजपा में हैं। तो भाजपा अगर हर सामाजिक मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा बनाने का प्रयास करेगी तो उसे एनडीए के सहयोगियों को पहले चेक करना चाहिए ना। जीतन राम मांझी के बयान पे जेपी नड्डा जी और नरेंद्र मोदी जी क्या जवाब देंगे, क्योंकि वो तो बहुत सारे देवताओं के अस्तित्व को नकारते हैं। तो मुझे लगता है कि जीतन राम मांझी जी तो एनडीए का हिस्सा है, ससम्मान उनको एनडीए में बुला करके आप मीटिंग में बैठा रहे हैं, तो फिर आप उस पर जवाब दीजिए। उनका बयान जो था वो मुझे लगता है कि उनका व्यक्तिगत बयान है। देखिए भारतीय जनता पार्टी का हिंदू धर्म का जो प्यार है वो नकली है, वो झूठा है। दो दिन पहले एलजी साहब ने दिल्ली के अंदर शिवलिंग को फुव्वारे की तरह चौराहे पे इस्तेमाल किया और भारतीय जनता पार्टी चुप थी। आज भारतीय जनता पार्टी बोल रही है। अब तक तो भारतीय जनता पार्टी को एलजी को जो है इस्तीफा करा देना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी चुप क्यों थी? अब भारतीय जनता पार्टी क्यों बोल रही है? सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। देखिए जब राज्यों में चुनाव होते हैं तो बहुत ही पॉपुलिस्ट डिमांड लोग अपने अपने तरीके से करते हैं। ये सारा देश जानता है कि समाजवादी पार्टी हो या आरजेडी हो या और कुछ पार्टियां हैं, उनका शुरू में दो मांगें थी। ये पार्टियां जो हैं महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो बिल लाया गया है उसके स्वरूप को लेकर खिलाफत है हमारी, अब भी है। हम लोगों ने ये कहा था कि इसमें जो महिलाओं का आरक्षण आप 33% कर रहे हैं उसमें आबादी के हिसाब से ओबीसी और शेड्यूल का स्लिट टाइप का आरक्षण था कि इस बिल में रिजर्व जो महिलाओं का आरक्षण हो उसका कर दीजिए चाहे जिसे। यही मैंने अटल जी से कहा था
कि आप तो है दो तीन जगह से चुनाव लड़ लेंगे, लखनऊ से, बलरामपुर से, ग्वालियर से। ये तर्क गलत है कि पॉलिटिकल पार्टीज कमजोर सीट महिलाओं को लड़ाएंगी। क्या ऐसा होता है? कोई पार्टी हारने के लिए चुनाव थोड़ी लगती है। पैदा करते हैं लोग, और हमारा ही तर्क था, इसीलिए अटल जी, अडवाणी जी नहीं लाए फिर। तो इसलिए हम चाहते हैं कि महिला आरक्षण हो, लेकिन आरक्षण का मैंडेट पॉलिटिकल पार्टीज के लिए स्पष्ट होना चाहिए कि मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल जितना निश्चित हो परसेंटेज, उतना आरक्षण दें महिलाओं को। और ये पॉलिटिकल पार्टीज को होना चाहिए, और उसमें पिछड़े दलित और अल्प, उनके दलित और से टीएमसी ने पल्ला झाड़ लिया है। टीएमसी ने उसको इंडिया का ना बयान बताते हुए डीएमके का निजी बयान बता दिया है। वहीं बीजेपी हमलावर है, वो कह रही है कांग्रेस तो किंग पिन है इस पूरे मामले की। देखिए, कांग्रेस से भी कोई लेना देना नहीं। अगर कांग्रेस को लेना देना होता तो डीएमके अलग से क्यों है, फिर कांग्रेस में ही होती। और जो स्टैंड टीएमसी का है वही कांग्रेस का है, और इंडिया अलायंस के और पार्टियों का भी वही है। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूँ बीजेपी से कि जो इनके एलाई हैं एआईडीएमके, उनसे क्यों नहीं सवाल पूछते? वो इनके साथ क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं? यानी न इनके लिए सनातन धर्म का महत्व है, न हिंदुत्व का महत्व है। जहाँ से वोट मिले एआईडीएमके को ऊपर अगर दबाव डालेंगे तो इनका गठबंधन टूटेगा। एआईडीएमके स्टेटमेंट देगी नहीं, अभी तक तो नहीं दिया है। तो ऐसे में क्या है, अपने बोर्ड की जुगत में ही रहते हैं। इनका सनातन धर्म और हिंदुत्व से कोई लेना देना नहीं बीजेपी वालों का। और दूसरी बात है कि अब इनको साधु कहा जाए या धर्मरक्षक कहा जाए, कहीं धर्मरक्षक किसी की हत्या करने की बात करते हैं तो जितने साधु संत हैं या आरएसएस बीजेपी, इस स्टेटमेंट पर क्या कहना है उनको? या उनके खिलाफ परमहंस आचार्य के खिलाफ कोई एक्शन ले रहे हैं? इससे हिंदू धर्म बदनाम नहीं हो रहा? जो हिंदू धर्म को बदनाम कर रहा है उदयनिधि स्टालिन से ज्यादा तो बदनामी कर रहे हैं। उनका अपना स्टैंड है जो भी है, तो असली तो हिंदू धर्म के शत्रु तो यही लोग हैं। अब इस पर बीजेपी का, आरएसएस का और साधु संतों का स्टैंड क्या आता है, उसका इंतजार है। सर, तृणमूल कांग्रेस तो पल्ला झाड़ा ही कहा, ये भी मे बी जूनियर हैं अभी, इसलिए शायद ऐसा बोला होगा। लेकिन जो है डॉक्टर करण सिंह जाए, उन्होंने कहा कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, और उन्होंने कहा ये स्टेटमेंट हटनी चाहिए। वहीं उत्तर प्रदेश के भी एक मंत्री का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें साफ तौर पर वो शिवलिंग के अंदर ही हाथ धोते हुए नजर आ रहे हैं, सामने दिखाई दे रहे हैं। किस तरीके से देखते हैं आप? और क्योंकि कांग्रेस के जो उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि इन्होंने सनातन धर्म का अपमान किया है। देखिए, बीजेपी, आरएसएस, उसमें करण सिंह जी भी उन्हीं की तरफ हैं। इन लोगों को धर्म का मतलब है कि वोट के लिए इस्तेमाल करना। एआईडीएमके से तो नहीं कुछ बुलवा रहे हैं, क्योंकि एआईडीएमके से दूरी बढ़ जाएगी, वोट का घाटा होगा। सतीश शर्मा जी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, जो हाथ धो रहे हैं, जलभरी होता है जो शिवलिंग में, उनके खिलाफ तो कुछ नहीं कर रहे हैं।